120 रुपए का टोल टैक्स देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शेट, ये रास्ता पार कैसे करेंगे यार। Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Pinik Vlogs, and aaj it's 21st July Sunday and main aaj ja raha hu Durgapur. Obviously chutti hai to jana hi padega. Waise Durgapur pahunchne ka time 9 baje tha, subah subah mummy ka bhi follow up chalu ho gaya tha, but theek hai, I'm running 1 hour late. एंड अभी करीबन 10:45 बज चुका है, तो करीबन 11:30 से लेके 11:45 तक नो तक पहुँच जाएंगे। एंड आज का सफ़र हम लोग कुछ नया तरीका से तय करेंगे। रघुनाथपुर से तो नहीं जाएंगे, आज हम लोग चेक करेंगे कभी जॉयदेब रोड। तो वहाँ का ब्रिज जो है वो तो मैं बाद में ही दिखाऊंगा कि ब्रिज कैसा है। तो वहाँ का ब्रिज अभी फुल्ली फंक्शनल है कि नहीं वो तो पता नहीं है, बट ठीक है, उस जगह में जाके ही पता चलेगा। एंड मकसद तो अपना है ही एक्सप्लोरेशन, सो लेट्स एक्सप्लोर। तो राइट नाउ अभी श्रीनिकेतन, जो कि एक्चुअली अ पार्ट ऑफ शांतिनिकेतन एंड बोलपुर, तो उसके एंट्री में काफ़ी मरम्मत चल रहा है रास्तों का। And well, it's a good thing because as you can see the lovely long stretch of the road, जहाँ पे बाइक चला के बहुत मज़ा आता है। मैंने काफ़ी ज़रूरत भी था ऐसा रास्ता का, थैंक्स टू PWD। यहाँ से दुर्गापुर करीबन 55 किलोमीटर्स है, तो आई हैव टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। उसके नीचे मैं जा नहीं सकता, नहीं तो मैं एक घंटे के अंदर तो पहुंच नहीं पाऊंगा। सो जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं रेज मोड में चलाऊंगा आज तो। शेट शेट, कम ऑन मैन। सो ये है अपना BITM, द लवली कॉलेज affiliated under Makaut, and as you can see जब हम लोग बोलपुर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं, एंड द डिज़ाइन इज़ माइंड ब्लोइंग। बट अपना क्या है, अपन को यहाँ पर रहना नहीं है, अपन बस काम के वास्ते यहाँ पर रहता है। आई लव दिस प्लेस,
स्पांथु निवास, ये दिवाली के टाइम में ऐसा चमकाते हैं कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। सो कामरपाड़ा को पार करते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं इलामबाजार की तरफ। हर तरफ पेड़ ही पेड़ है और दिल को सुकून है। वेल, आई स्टार्टेड दिस चैनल पिनिक व्लॉग्स एग्जैक्टली 1 month बिफोर। सो फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अराउंड 29 एंड काफ़ी सारे मुझे फीडबैक एंड सजेशंस मिले हैं। तो उसमें से एक था कि किसी सर ने बोल रहा था कि आपके वीडियोस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू इंटरेक्ट मोर। तो सर मेरा बात ये है कि अभी फ़िलहाल मेरा क्रू में कोई है नहीं, इट्स ओनली मी। अभी मैं फ़िलहाल एक ओपीसी बन चुका हूँ, वन पर्सन कंपनी। सो मुझे या तो स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ता है या फिर आई हैव टू थिंक इंस्टेंटली कि कहाँ जाना है, क्या कवर करना है, फिर एडिटिंग भी रहता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी रहता है, यू नो। सो इतना कुछ एक बंदे के लिए करना एंड वो भी जो अभी फ़िलहाल सीख रहा है, तो थोड़ा मुश्किल रह जाता है। बट ट्रस्ट मी, विथ टाइम आई विल बी इम्प्रूविंग। कुछ दिन की मोहलत दे तो सर कर देंगे, टारगेट विल बी अचीव्ड। सो हियर वी आर, सुख बाज़ार हम लोग घुस चुके हैं एंड इसका पता नहीं। ओके, इसको राइट मुड़ना था, फाइन, ऐसा चलता ही है। फक, वी आर वेनम, यस वी आर। तो आज लिफ्ट में नहीं जाके हम लोग जाएंगे सीधा जॉयदेब का रास्ता तय करेंगे। सो सबसे नज़दीक है एज पर द माइलस्टोन दुबराजपुर, जो कि 25 किलोमीटर में है एंड शिवडी इज़ ऑल आई थिंक इट्स 46 और 55 किलोमीटर्स। इट्स सेम लाइक दुर्गापुर से आपका बोलपुर। सो आई गेस दिस इज द रोड दैट लीड्स टू जॉयदेब। आई एम नॉट श्योर वो रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, भगवान का नाम लेके जा रहा हूँ, लेट्स सी। तो ये रास्ता पहले काफ़ी अच्छा था बट अब इसके लग चुके हैं। ओ वाओ, द लवली तालाब। होली क्रैप, रास्ता इतना ख़राब हो चुका है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाओ, इस रास्ते को मैं समझा था कि काफ़ी अच्छा रहेगा, आई मीन एक साल पहले तो ये बहुत अच्छा था एंड उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का मरम्मत चल रहा है। एंड इन्हें बेसिकली रास्ता छोड़ना है नहीं, एज यू कैन सी। अब अगली बार कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो बगावत करेंगे। सो इस रास्ते में हम लोग काफ़ी छोटे छोटे गांव को पार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस गांव का नाम है नुहाना एंड द रोड तो कसम से आई थिंक यहाँ पे ऑफ रोड करना पड़ेगा। ओके, फक, और नहीं भाई,
left of me. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross, which we cross. So that's it, yuppie, we reached JOYDEB. तो ये एक्चुअली JOYDEB का बस स्टैंड है एंड यहाँ से सफ़र तय करना पड़ता है और यहाँ पे लोग थोड़ा लोकल टैक्स लेते हैं 10-20 रुपया टाइप से. तो लेट्स सी आज कोई रोका नहीं फाइन. सो या वेलकम टू दिस ऑफ रोड बाइकिंग. तो यही मैं JOYDEB ब्रिज की बात कर रहा था. কত এক সাইড 20 আর ডাউন 30 এক সাইড 20 আগে 10 ছিল না 10 থাকবে আমরা যখন ফ্রি গেট থাকবে তখন নামিয়ে सो 20 रुपए का टोल टैक्स देते हुए आगे बढ़ रहे हैं. शेट ये रास्ता पार कैसे करेंगे यार. फाक टूट गया तो लोड़ा लग जाएगा. हाँ फिर ये पे पक्का तो शेट मैन आई हेट यू JOYDEB क्रैप. फट के हाथ में आ गया भाई. ये क्या बना दिया तुम लोगों ने यार. माइंड ब्लोइंग रोड मैन. ओके तो जो हर्डल था हमने पार कर लिया है एंड बहुत ही आराम से तो नहीं बोलूँगा, पीसफुल भी नहीं बोलूँगा, जस्ट बोलूँगा कि लकीली उस बीच से मेरा बाइक पार हो गया. दैट्स इट. अब यहाँ पे नहीं रुकना और पीछे पे नहीं मुड़ना और आइंदा मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा जब तक ये रास्ता ठीक ना हो जाए. सो 11:30 बज चुका है. ऑसम फन ऑसम थ्रिल. बस वो ब्रिज से अभी मुझे डर लग रहा है. मैंने ये बम्बू का ब्रिज एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो अभी जिस रास्ते में हम लोग बाइक चला रहे हैं इट्स मौलन देखी. सो आ चुके हैं द पॉपुलर सानोका हॉस्पिटल. सही तो बना है बट एक्सेस कहाँ से करते हैं यार. ओके ये सानोका कॉलेज भी है यहाँ पे. दैट्स नाइस. सो दिस रोड लेफ्ट वन ये है रघुनाथपुर का शॉर्टकट. Shit, that was a bumpy ride.
टूरिस्ट कुलडीहा। एंड थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि ये मलमदीघी का रास्ता दूसरी बार कनेक्ट किससे होता है। जस्ट होल्ड ऑन एंड वॉच। कसम से बम्पर्स है यार, कहीं पे डबल कहीं पे ट्रिपल। वाव, सही है, जंगल के अंदर एक शेड बना दिया एंड ऊपर से मस्त रच के बैठ के आराम करो पेड़ के बीच। नाइस, यही चाहिए गर्मी में। काउंट मी इन, मैंने कहा सबसे अच्छा सा टर्निंग लेते हुए। डोमरा, सो ये है जो रास्ता डोमरा से कनेक्ट करता है। या दिस वन, सो मेरा हमेशा पहला प्रेफरेंसेस रहता था कि मैं डोमरा से जाऊं बोलपुर, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड बाइकिंग करना पड़ता है, तो इसलिए रिसेंटली मैं रघुनाथपुर से जाना चालू कर दिया है। जॉयदेव का तो अभी सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि उस ब्रिज में मुझे दोबारा जाने की कोई इच्छा नहीं है। सो दैट्स इट, डेस्टिनेशन के नज़दीक। काफ़ी धूप और गर्मी है भाई, इसके पहले कि और धूप पड़ जाए घर भग लेते हैं यार। यह है अपना आड़ा मोर। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। सो आज का लर्निंग पॉइंट था, आप कहीं पे अगर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो रिसर्च पूछो एंड फिर जाओ। एंड सेकेंड, जॉयदेव ब्रिज, आप एक थम्स अप फॉर द थ्रिल, बट अ बिग थम्स डाउन फॉर द बम्प ब्रिज। सो गाइस, चलते हैं अपना घर। Have a nice day. See you soon.